नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में दोस्तों देने वाला हूँ टेस्ट ड्राइव रिव्यू। दोस्तों इसमें मैं बताऊँगा आपको कि गाड़ी किस तरीके से ये परफॉर्मेंस कर रही है और कैसा ये चल रही है। मैं आपको इसमें चला के दिखाऊँगा दोस्तों गाड़ी। ये देखिए, अभी हमें एक खाली रोड पर, दोस्तों ये खाली रोड ही रहता है ज़्यादातर, एक आध सवारी आ जाती है कभी कभार। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको गाड़ी चला के। दोस्तों गाड़ी का इंजन बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ऐसा लगता है दोस्तों जो बड़ी गाड़ी में कोई छोटी गाड़ी में उससे बड़ा इंजन लगा दिया गया है, एकदम से पिकअप पकड़ती है गाड़ी। ये देखिए, और काफ़ी स्मूथली चलती है गाड़ी दोस्तों, गियर इसके बहुत स्मूथ हैं। और आप अगर जब गाड़ी को चलाएंगे तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। ऑल्टो K10 का इसमें यही है खूबी है दोस्तों कि इसकी इंजन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है दोस्तों, और एवरेज तो दोस्तों है ही इसका बढ़िया। एवरेज के मामले में तो ये अपने सेगमेंट में सभी को मात देती है, ये तो आपको पहले ही पता ही होगा। तो आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है ये गाड़ी दोस्तों। और अगर आप सोचते हैं कि आप डेली कहीं के डेली यूज़ के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं दोस्तों, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिसकी पावर अच्छी हो, तो दोस्तों आप ये गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि छोटी गाड़ी है दोस्तों और ऐसा कोई इश्यू नहीं है इसको कि पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए या बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आपको किसी पार्किंग में। छोटी सी जगह में, छोटी गली में भी आसानी से चल सकती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी खाली रोड है, गाड़ी बहुत स्मूथ है दोस्तों, केबिन नॉइस नहीं है गाड़ी में बिल्कुल भी। और जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो एक अलग ही फील महसूस करेंगे। और दोस्तों इसका एसी की बात करूँ मैं दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा एसी दिया है मारुति ने, इसमें कोई दिक्कत नहीं एसी में, एसी को लेकर तो कोई इशू है ही नहीं दोस्तों इसमें। और अगर आप इसे फुल पे चला के रखेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी गाड़ी शील्ड कर देगी ये एसी। तो देख सकते हैं दोस्तों आप किस तरीके से आपको गाड़ी चलानी है, किस तरीके से गाड़ी परफॉर्मेंस करती है देती है दोस्तों। दोस्तों ये कि खाली रोड ही रहता है वैसे तो ज़्यादातर, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्रैफिक है आज इसमें। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी पिकअप एकदम से पकड़ती है दोस्तों, आप इनिशियल पिकअप इसका बहुत अच्छा है दोस्तों, आप तुरंत गाड़ी को भगा सकते हैं। बस दोस्तों आपको करना सिर्फ इतना है, आप सही स्पीड में सही गियर का इस्तेमाल करें दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा एवरेज ले पाएंगे गाड़ी से। तो दोस्तों टेस्ट ड्राइव रिव्यू दे रहा हूँ आपके लिए कि किस तरीके से गाड़ी चला के रिव्यू करना है दोस्तों। तो मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ ये गाड़ी, देखिए दोस्तों बेहतरीन परफॉर्मेंस है गाड़ी का दोस्तों। स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो दोस्तों, एक बेसिक दिया है मतलब सही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेडान गाड़ी की तरह बहुत ज़्यादा स्मूथ दिया हुआ हो, ऐसा भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कितना भी लॉन्ग टूर कर लें इससे दोस्तों। फ्रंट की जो दो सीटें हैं इन पर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, क्योंकि लेग रूम भी अच्छा खासा है और बैक रूम भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और अगर आप दो या तीन लोग कहीं टूर पे जा रहे हैं तो इसको आसानी से ले जा सकते हैं, दो या तीन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो चलिए दोस्तों अब दिखाते हैं ये परफॉर्मेंस, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा पावर परफॉर्मेंस और बॉडी रोल है इसका, आप शार्प टर्न पर आसानी से ड्राइव कर सकते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, ब्रेकर आया और हमने गाड़ी किया धीमे और हमने ये पकड़ाया पिकअप, और ये अगला ब्रेकर फिर से धीमे करेंगे दोस्तों, और ये फिर से इसको स्पीड पकड़ाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने, पिकअप बहुत अच्छा है इसमें दोस्तों, बहुत ही आसानी से पिकअप पकड़ लेती है ये गाड़ी। और माइलेज की बात करें तो माइलेज तो इसका है ही ज़बरदस्त दोस्तों। तो दोस्तों आप टेस्ट ड्राइव रिव्यू मैंने आपको दे दिया इस गाड़ी का, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी कितनी बढ़िया है दोस्तों, और गाड़ी का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है, और ब्रेकिंग भी गाड़ी की ज़बरदस्त है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ब्रेकिंग कम हो, ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी की। और वैसे तो चॉइस आपकी है, आपको मेरा अगर रिव्यू आपको पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर दोस्तों मेरे चैनल को, ताकि ऑल्टो K10 से रिलेटेड और भी वीडियोस जो मैं आपको बनाऊंगा
टिप्स उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आपको जानकारी हो सके अदर चीज़ों की कि अल्टो के टेन की क्या खासियत है, क्या कमियां हैं और कैसा ये गाड़ी परफॉर्मेंस दे रही है। दोस्तों मैं इसके सर्विस से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगा ताकि, और मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को इसके जो सर्विस कॉस्ट है वो कितनी है। और दोस्तों मैं इस गाड़ी की तीनों सर्विसेज करा चुका हूँ, मैं बताऊँगा तीनों गाड़ियों का खर्चा कितना है और मैंने इस गाड़ी में क्या क्या अभी तक कराया है। दोस्तों एक वीडियो मैं इसकी एसेसरीज को लेकर भी बनाने वाला हूँ और सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त जी। दोस्तों धन्यवाद, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें।